यहाँ पर नरेशन का रिवीजन होगा। तो देखो नरेशन में आपको करना क्या है, डायरेक्ट नरेशन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट। मींस डायरेक्ट नरेशन को बदलोगे आप किस में, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलोगे। अब यहाँ पर ओवरऑल रूल क्या है, यानी कि आज जो है अभी तक अलग अलग आप पढ़े, लेकिन आज पूरे का रिवीजन करवा दिया जाएगा। सिंपल सा देखो, डायरेक्ट नरेशन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी सेंटेंस दिया रहेगा, मींस डायरेक्ट नरेशन का कोई तो सेंटेंस दिया ही रहेगा ना, डायरेक्ट नरेशन का कोई सेंटेंस दिया रहेगा। जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें दो पार्ट होगा, एक तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग और दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, दो ही कंडीशन रहेगी, है ना, या तो बाहर वाला भाग या तो अंदर वाला भाग। क्लियर है? अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसको अप्लाई कर दो, हर जगह फिट हो जाएगा बढ़िया सा। अगर जैसे आप कभी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा इसके पहले पता है आपको नरेशन के बारे में, तो आज जो है पूरा पता चल जाएगा। इसलिए तन मन धन से देखो, धन से भले ना देखो लेकिन मन से देखो, है ना। चलो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी इस तरह से जो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस रहे दिखा मिल जाए, तो सबसे पहले आपको देखना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि जेल के अंदर बंद कौन है, समझ रहे ना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इस बीच में जेल के अंदर है कौन, तो आपको पांच तरह के सेंटेंस मिलेंगे, पांच अपराधी मिलेंगे, समझ रहे हो ना। सबसे पहले क्या देखना है, जेल के अंदर बंद कौन है, मींस जेल, ये देखो दो दीवार वाली जेल है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कौन है। जैसे आप देखोगे तो आपको पांच अपराधी मिलेगा, एक मिलेगा पांच अपराधी का मतलब फाइव सेंटेंसेस मिलेंगे, फाइव सेंटेंसेस मिलेंगे। अब देखना है पांचों अपराधी के साथ अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है, किसी को गर्म पानी में उबालना है, किसी को गर्म करना है, है ना, किसी को गर्म पानी पिलाना है तो किसी को आग ही पिला दो, मतलब अलग अलग ट्रीट करना है पांचों के साथ। अगर असर्टिव सेंटेंस मिलता है तो, लेकिन ये भी तो समझो कैसे पहचानोगे आप, ये भी तो समझना जरूरी है। तो असर्टिव सेंटेंस को पहचानने का दो तरीका होगा, असर्टिव या तो अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, दो में से एक होगा, या तो अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस तो आप जानते ही हो, नेगेटिव भी जानते हो, क्लियर है। अगर ये तो पहला अपराधी होगा, क्लियर है। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस मिलता है तो उस सिचुएशन में आप चेंज करना सेड को किस में, टोल्ड में चेंज करना, सॉरी सेड टू को चेंज करना टोल्ड में, कुल मिलाकर सेड का ऑब्जेक्ट है तब उसको टोल्ड में कर देना। इसी तरह सेज टू को चेंज करना आपको टेल्स में चेंज करना है, और सेज टू को चेंज करना है टेल में। अभी बोलो क्लियर है, सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में आपको चेंज करना है, पहला चेंज ये करना है। क्लियर है, पहला समझ में आया, क्लियर है। पहले आराम से पूछना, भाई बता चोरी किसने किया, फिर दो चार थप्पड़ मारो अगर ना समझ में आओ, तब दूसरा क्या करना है, क्लियर है। दूसरा आपको क्या करना है कि यहाँ जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाकर डेट लगाना है, है ना, इसको हटाकर क्या लगाना है, डेट लगाना है। दूसरा चेंज यहाँ पर होगा, है ना, और तीसरा चेंज आपको करना है, एक तो एस ओ एन 1 2 3 में, इसका मतलब समझ रहे हो ना, प्रोनाउन का चेंज। अगर अंदर वाला पार्ट सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मींस आई और बी से रिलेटेड है तब उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है मींस बी से, ओ सॉरी 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 यू से रिलेटेड है तब उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मींस ही सी इट या दे इसे रिलेटेड है तब वहां पर उसको चेंज नहीं करेंगे।
इसके बाद आपको चेंज करना है, टेंस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? टेंस चेंज करना है। अब टेंस में चेंज कैसे होगा, इसको इन शॉर्ट में ऐसे बता रहा हूँ रफली। जैसे ऑल प्रेजेंट को कर देना ऑल पास्ट में, है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट को किस में? पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। भाई समझ में आ रहा है ना? आप दोनों को आ रहा है? भाई आप दोनों मेहमान हो, है ना? कहाँ, वो मेहमान है। ठीक है, कुल मिलाकर समझ में आ रहा है ना? एक बार पहले से देखो ये सब पढ़े रहोगे और अच्छे से क्लियर होगा। आज तो रिवीजन करवाया जा रहा है पूरा, बाकी आज नया टॉपिक शुरू होना था। चलो कोई ना, ऑल प्रेजेंट चेंज हो गया ऑल पास्ट में, इतना क्लियर। दूसरा टेंस में चेंज होता है, पास्ट इंडिफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बिल चला जाएगा वुड में, सेल चला जाएगा सुड में, कैन चला जाएगा कुड में, चला जाएगा माइट में। क्लियर है? इस तरह से टेंस में चेंज होगा, है ना। इसके बाद में जो पांचवा चेंज होता है, या ऐसे ना याद हो ना तो आप ऐसे याद कर लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस, ये चेंज हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू या डज जाएगा डिड में, इज एम आर जाता है वाज या वर में, वाज या वर जाएगा हैड बीन में, हैज या हैव किस में जाएगा हैड में, हैज बीन या हैव बीन किस में जाएगा हैड बीन में, बिल हैव किस में जाएगा वुड हैव में, सेल हैव किस में जाएगा शुड हैव में, कैन कुड में, माइट। ऐसे भी तरीका है, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपको क्या चेंज करना है, नियरर वर्ड को, है ना। नियरर वर्ड को चेंज करना है आपको किस में? फार वर्ड में। ये क्या बात हुआ, है ना, नजदीकी शो करने वाले शब्द को फॉरनेस शब्द में। जैसे दिस किस में चेंज होगा? डेट में। दीज किस में चेंज हो जाता है? डोज में। टुडे किस में चेंज होगा? डेट डे में चेंज होगा, है ना। और टुमारो किस में चेंज होता है? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में। यस्टरडे किस में चेंज होगा? द प्रीवियस डे में चेंज होगा। इस तरह से कई सारी पूरी लिस्ट है, क्लियर है, उसमें चेंज होता है। अभी समझ में आया इतना? यही चेंज आपको करना है, इनमें से ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये यूनिवर्सल है ना, मतलब हर जगह अप्लाई होगा। हर जगह का मतलब हर सेंटेंस में टेंस चेंज होगा। अगर टेंस चेंज होने वाला है तब दो सिचुएशन है, असर्टिव की बात कर रहा हूँ, दो सिचुएशन है जहां पर टेंस चेंज नहीं होता है। कौन कौन से बताओगे? जब सार्वभौमिक सत्ता, हाँ, जब अंदर की बात समझ रहे हो ना, अंदर की बात, आदमी कहता भाई अंदर की बात समझ, जब अंदर की बात सत्य हो, फैक्चुअल डेटा हो, हिस्टोरिकल फैक्ट या जो है साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, कोई फैक्ट हो, तब टेंस में चेंज नहीं होगा। और दूसरा, जब बाहर, बाहर का मतलब समझ रहे हो, ये वाला पोर्शन, बाहर वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग क्लॉज। जब रिपोर्टिंग क्लॉज का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब टेंस में चेंज नहीं होगा। तो याद रहेगा ना, दो जगह टेंस में चेंज नहीं होता है। कौन कौन सी जगह है? अरे सॉरी सॉरी, पाप हो गया भाई, चलो ठीक है, अब धुल गया ना पाप, सही कर दिया। देखो अब यहाँ पर दो कंडीशन है जहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा। एक तो जब रिपोर्टेड स्पीच में फैक्चुअल डेटा हो, फैक्चुअल डेटा का मतलब सार्वभौमिक सदा सत्य रहने वाली बात हो। अब वो हो सकता है हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है साइंस से रिलेटेड हो सकता है आदत हो, जैसे कुत्तों की आदत क्या है? अजनबियों पर भौंकना, वो जरूर भौंकेंगे, है ना। खुद की तो नींद खराब करते हैं, घर वालों की भी नींद खराब करते हैं, घर वाले कहते हैं शांत रहो, जाने दो उन्हें, है ना, ऐसा होता है कभी देखियो। तो जैसे हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, है ना, या प्रोवर्ब्स हो गए, कहावत, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, टिट फॉर टैट, ये सारी चीजें, क्लियर है, वहां चेंज नहीं होगा। दो सिचुएशन याद रहेगी, अभी इतना क्लियर है, अप्लाई करके देखा जाए इस पर। चलो जैसे मैं कहूं, ही सेड टू मी आई एम सिक, उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूं,
दूध देखो अप्लाई करते हैं, जेल के अंदर कौन है? आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, बेचारा सिंपल मीन्स असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव है तो सेट टू किस में जाएगा? वाह क्या बात है ना, टोल्ड हो गया, और ही उसे और मुझे तो छेड़ो मत, मतलब समझ रहे हैं, पहला इसमें कुछ चेंज नहीं करोगे अब, ही का थोड़ी सी कर दोगे भाई, है ना, ही टोल्ड मी, पहला चेंज यहाँ होता है, दूसरा चेंज यहाँ करना, डेड लगेगा, तीसरा प्रोनाउन में देखो सब अप्लाई हो रहा है ना, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही के अनुसार ही, क्लियर है, और तीसरा इजेमार टेंस चेंज, तो इजेमार किस में जाएगा, वाज या वर में, ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, तो ही वाज, इसके बाद में सिक, अब यहाँ टुडे डैड डे ये सब तो है ही नहीं, तो नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करूँगा, नहीं करूँगा भाई, अभी समझ में आया, क्लियर है, लेकिन मान लो यहाँ कोई फैक्ट होता तो तब सब चेंज होता, लेकिन टेंस में चेंज नहीं होगा, याद रखना कि उल्ट टेंस में नहीं चेंज होता, नहीं कर दो कुछ नहीं होगा भी, टेंस में चेंज नहीं होगा, है ना, अगर मान लो यहाँ पर सेज टू होता तो, जैसे मान लो यहाँ पर है सेज टू, अब बताओ ये टेल्स हो गया, आगे का टेंस नहीं चेंज, टेंस नहीं चेंज होगा, ही वाज मत करना, क्यों, बाहर वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में तब भी टेंस नहीं चेंज होगा, तो यानी कि यहाँ ही इज ही रहेगा, जागो ग्राहक ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है जागो ग्राहक जागो लेकर भागो, ज्ञान लेकर भागो, है ना, चलो अभी समझ में आया, इतना क्लियर है, ये पहला टाइप का सेंटेंस आपका हो गया कंप्लीट, भाई मिटाने वाला दो, अब दूसरे टाइप का सेंटेंस, दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, दूसरे टाइप का सेंटेंस कैसा होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, अब प्रश्न इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन हाँ, तो इसका दो तरीका होगा, या तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, या तो इसमें क्वेश्चन वर्ड, हाँ सिंपल से, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू, दो कंडीशन है, और लास्ट में हंसी आ गई, सब चिन्ह लगा, क्वेश्चन मार्क लगा, क्लियर है, ये पहचानने का सॉल्ट में हो गया तरीका भाई, क्लियर है, क्या होगा सबसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, जैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तुरंत आपको चेंज करना है सेड को, किस में चेंज करना है, आस्क्ड में, या जो है इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करना है, क्लियर है, एक तो चेंज यहां पर करना है, देखो रस्सी से बांध दो भागने ना पाए, क्लियर है, दूसरा चेंज क्या करना है, पहला चेंज तो ये हो गया, जैसे अभी एक सेंटेंस के थ्रू बताऊं, है ना, जैसे मैं कहूं आई सेड टू यू आर सी नहीं वाज सी मैड नहीं मेंटल वाज सी मेंटल कुछ भी सेंटेंस लिख दो ऐसे, अब यहां पर पहला चेंज कहां होगा, सेड को चेंज करना आस्क्ड में, दो कंडीशन है पहचानने का, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब तो पता है ना, जानते हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो वहां पर उस हेल्पिंग वर्ब के जगह पर आपको लगाना है इफ या तो वेदर, क्या लगाना है, या तो इफ या तो वेदर, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो वही क्वेश्चन वर्ड छाप देंगे, लिख देंगे सेम, और इसके बाद वाला सिंपल, सिंपल का मतलब समझ रहे हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट, इसके बाद वाला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट, समझ आओगे ना, हाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट, सिंपल कर देना, क्लियर, अब अप्लाई करके देखें, देखिए आई सेड टू यू वाज सी मेंटल, सबसे पहले देखना यही तो देखना जेल के अंदर कौन है, इंटरोगेटिव वाज सी मेंटल इंटरोगेटिव, अरे वाह इंटरोगेटिव में कौन वाला है, यस नो टाइप, नहीं नहीं
यस या नो टाइप को मारो गोली, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, तो पहला चेंज क्या होता है, सेड को आस्किंग में, और हेल्पिंग वर्ब से जब रहे तब इफ या वेदर लगाना। चलो ठीक है, आई यहाँ हो गया आस्क्ड, यू हो गया इफ लगा दिए, अब वाज की जगह इफ लगा दी, इसके बाद सिंपल करना है। सिंपल के लिए सब्जेक्ट खोजना है, कहाँ हो सब्जेक्ट बाबा? अच्छा बाबी सॉरी सी है, है ना, क्या है? सी है। चलो मैंने लिख दिया सी, लिख दिया अब इसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है भाई, समझ में आ रहा है ना? अरे सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ही सी इट और दे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आज है, आज ये वर्ब किस में जाता है, हैड बीन में जाता है ना, तो यहाँ क्या हो गया, हैड बीन। इसके बाद वर्ब, अरे जो भी है, मेंटल, मेंटल है नहीं, मेंटल ये नहीं सेंटेंस है। और यहाँ पर अब याद रखना, क्वेश्चन मार्क हटा देना, और यहाँ पर फुल स्टॉप के साथ में कुछ नहीं करना, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देना बस। समझ में आया, क्लियर है? लेकिन मान लो यही क्वेश्चन वर्ड होता, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते, इफ या वेदर की जगह क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद यही पोर्शन, बताओ कितना आसान हो गया भाई। दो समझ में आया, क्लियर है सबको, है ना? जो पहले से देखो, एक एक करके मैंने अलग से पढ़ाया है, इंक्वायर्ड ऑफ सर बहुत अच्छे से, इंक्वायर्ड ऑफ कहाँ लगेगा, यहीं पर इंक्वायर्ड ऑफ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आस्क्ड के जगह आप क्या लगा सकते हो, इंक्वायर्ड ऑफ। हमने ऑब्लिक का कहाँ गए, ये स्लैश का साइन है, स्लैश मतलब चाहे आस्क्ड लगाओ चाहे इंक्वायर्ड ऑफ लगाओ, क्लियर? अभी जनरली समझना है, वैसे रिविजन हो रहा है तो बाकी डिटेल में तो अभी तक पढ़े ही थे, है ना, अब तो शॉर्ट में क्लियर है। दो टाइप को निपटा दिए भाई, क्लियर है ना? चलो अब इंपरेटिव, हाँ अगला सेंटेंस मिलेगा आपको इंपरेटिव सेंटेंस, क्या मिलेगा, इंपरेटिव सेंटेंस। अब बताओ इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका मैंने बताया था, या तो भी वन से शुरू होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या तो डोंट प्लस बी वन से शुरू होगा, या तो प्लीज प्लस बी वन से शुरू होगा, या प्लीज प्लस डोंट ना, जैसे गो टू स्कूल, स्कूल जाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, डोंट ईट द जंक फूड, बासी खाना मत खाओ, तो डोंट से शुरू है, है ना, या जो है शुरू होगा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए, है ना, प्लीज डोंट हेल्प मी, कृपया करके मेरी सहायता मत करिए, है ना, इस तरह से। ऐसे शुरू होगा लेट से, लेट मी गो, लव वाला कॉन्सेप्ट सिखाए थे ना सर, अभी लव वाला आप बताए नहीं, बताए थे, अच्छा हाई स्कूल में सिखाया गया, सॉरी यार, हाँ लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो लेट से शुरू होगा, या तो लेट से शुरू होगा, चलो जैसे लेट्स टेक अ टी, चलो चाय पीते हैं, इस तरह से, समझे इतना। चलो अब इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा, उस सिचुएशन में आपको सेड को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सेंस, सेड चेंज होगा ऑर्डर्ड में, सेड चेंज, अरे बिस्डे ऑप्टेटिव है बच्चा, हाँ सेड चेंज होगा ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, या जो है रिक्वेस्टेड में, धमकी उमकी दिया जाए तो सर वो तो धमकी उमकी दिया जाए तो किसमें, वारंट में, धमकी दिया जाए तो किसमें चेंज होगा, वारंट में। ये आपका देखिए सेड किस में चेंज होगा, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, वार्ड में, वार्न्ड, अकॉर्डिंग टू सेंस। इंपरेटिव सेंटेंस अगर ऑर्डर वाला है तो ऑर्डर्ड कर देना। और दूसरा चिपकाने के लिए क्या करना, जैसे कोई बोलता है आई लव यू टू यू, टू यू हर जगह, अबे इसका बहुत उल्टा निकलता है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ये सच्चाई क्या है। आई लव यू इसका रिप्लाई क्या देते हैं लोग, टू यू, इसका मतलब मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मतलब और है ना। चलो खैर ये तो हो गया जस्ट फन, यहाँ टू यू का सेंस निकलता है तुमसे भी, है ना, उल्टा निकलता है। खैर अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टू से चिपका देना, खत्म। मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों, ये लव सब वाला बीच में अप्लाई किया ताकि याद रहे, एग्जाम में क्लिक करे कि हाँ सर इंपरेटिव सेंटेंस की बात किए थे तो वायरस वाला बताए थे वो जो फैलाया आई लव यू वाला, वहाँ टू यू के साथ। तो यहाँ आपको क्या करना है, टू के साथ लगा देना है, मतलब टू के साथ जो भी रहे लिख देना है, है ना, टू के साथ भी वन प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ये कर देना है। एक दो हैं भाई स्पेशल हैं, एक दो क्या है, यहाँ कॉमा मैं लिख दे रहा हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, टू, इसके बाद में भी वन
फिर अदर ऑब्जेक्ट जो भी रहे उसको छाप देना है। लेकिन जब डोंट हो, है ना, जब डोंट हो तो डोंट को आपको चेंज करना है नॉट टू में। डोंट को किस में चेंज करना है? नॉट टू प्लस वी वन प्लस अदर ऑब्जेक्ट। अगर आपको नॉट टू से दुश्मनी है, है ना, तब आप क्या लगाना, डोंट की सिचुएशन में सेड को चेंज करना फॉरवर्ड में, है ना, सेड को चेंज करना फॉरवर्ड में और आगे टू के साथ कनेक्ट करना। क्लियर, इतना समझ पा रहे हो ना? बस आपको यही करना। एक यहाँ पर स्पेशल होता है और सबको पता होगा, लेट्स, लेट्स चेंज होगा डेट दे या बी सुड में, डेट दे सुड या बी सुड, इसके बाद वी वन प्लस अदर ऑब्जेक्ट जो भी है, ये स्पेशल है आपका। बताइए समझ में आया इतना? बस इतना ही है। जैसे एक सेंटेंस करके दिखाता हूँ, जैसे मैं लिख दूं, सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम यू, नहीं सी सेड टू हिम, लेट्स लेट्स वाला बता दूं, कोई भी एक से समझ में आ ही जाएगा। लेट्स गो फॉर शॉपिंग, चलो शॉपिंग के लिए चलते। मैं तो भाई बच गया, वो फंस गया। सी ने उससे कहा, देखो सी सेड टू हिम लेट्स गो फॉर शॉपिंग। तो देखिए सी, अब यहाँ सेड, एक चीज बताओ, लेट्स गो फॉर शॉपिंग, अगर मैं कहूँ तुमसे चलो शॉपिंग, तुमसे नहीं कहूँ, अगर मैं आप लोग से कहूँ चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, तो इसका मतलब क्या सेंस आ रहा है? मुझे भी चलना पड़ेगा? Yes, sir. क्या मैं नहीं जाऊंगा? नहीं जाएंगे, बिल कौन भरेगा मुझे? हाँ बिल कौन भरेगा, देख रहे हो बिल कौन भरेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ लेट्स गो फॉर शॉपिंग, चलो शॉपिंग करता हूँ, तो एक तरह से आपके सामने प्रपोजल रख रहा हूँ, वो प्यार वाला नहीं है, शॉपिंग वाला रख रहा हूँ भाई, है ना, प्यार में एक तरह से प्रपोजल ही रहता है, आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार, बता तू है, तुझे एक नहीं हो तो हो, नहीं तो हटाओ दूसरा कोई देखे, मतलब जैसे एक तरह वहां भी तो भाई प्रस्ताव ही रखा जाता है ना। बस प्रपोजल से याद आ जाएगा, प्रपोज्ड में इसका क्या हो जाएगा, सी प्रपोज्ड, या जो है अगर ये अच्छा ना लगे तो आप क्या कर सकते हो, सजेस्टेड, सी सजेस्टेड हिम डेट दे, क्लियर है, यहाँ बी कर दो, ठीक है, हाँ डेट दे सुड, अरे बी भी लगता है भैया, उसका एक एक दो स्पेशल है बता दूंगा कभी, दे सुड गो फॉर शॉपिंग। समझ में आया इतना भाई? क्लियर है? बोलो अगर यहीं पर मान लो होता डोंट गो, तब क्या कर देते, नॉट टू गो, है ना, डोंट गो फॉर शॉपिंग, तो क्या कर देते, नॉट टू गो फॉर शॉपिंग, या जो यहाँ पर फॉरबिड के साथ टू में लगा देते, समझे। अब इस पर जब देखो, अभी शॉर्ट में मैंने बता रहा हूँ, एक तरह से रिवीजन हो रहा है, जब आप अभी आप चाहो तो कवर कर सकते हो, अगर पहले से आपको थोड़ा बहुत आता है तो, अगर पहले से आपको कुछ नहीं आता है तो भाई भूल जाओ, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है नैरेशन में, क्योंकि यहाँ एक तरह से साथ में पूरा चल रहा है। क्लियर है, आगे चलें, तो ये हो गया। अब अगला सेंटेंस अगर आप पहचान लेते हो तो मिलेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस मिलेगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस मिलेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस मिलेगा। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को में या तो कर्स शो होता है, है ना, या तो ब्लेस शो होगा, या तो प्रे शो होगा, या तो विश शो होगा। अगर कर्स है तो किसमें कर देना, कर्स्ड में, विश है तो किसमें कर देना, विश्ड में, ब्लेस है तो किसमें कर देना, ब्लेस्ड में, इस तरह से। यानी कि पहला चेंज यहाँ पर कैसे होगा, सेड को किसमें चेंज करना है, सेड को चेंज करना है या तो ब्लेस्ड में, है ना, या तो किसमें, कर्स्ड में, या तो किसमें, प्रेड में, प्रेड में, या तो किसमें, बीस्ड में। इतना भाई क्लियर है सबको? दूसरा यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लगेगा, और डेट के बाद में सिंपल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अप्लाई करूं? जैसे देखो, द बैगर सेड टू मी, बैगर ने मुझसे कहा, क्या कहा,
मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो ताकि मुझे लंबे समय तक भीख देते हो। बेगर भी चालाक था ना, उसने ऐसा कहा। क्या कहा? कि तुम्हारी, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम 100 साल के बजाय 4 साल जी, हमारे जैसे कई भिखारियों का भला कर, है ना। चलो अभी बेगर क्या कर रहा है, एक तरह से प्रे कर रहा है ना, भाई यार भिखारी, भिखारी के क्या हो औकात, आशीर्वाद दे सकेगा वो, भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान करे भैया तुम फलो फूलो जहाँ रहो सबका भीख दो, है ना। क्लियर है? कुछ ऐसे सोच रखेगा तो क्या हो जाएगा, द बेगर। हाँ यहाँ प्रे किया जा रहा है तो किसमें जाएगा, प्रेड मी, या ज्यादा दिक्कत हो तो प्रेड टू मी कर देना, है ना। इसके लिए कंफ्यूज मत होना, है ना, कभी कभी होता है प्रेड टू मी भी रहता है, तो प्रेड मी, अब जैसे ये थोड़ा प्रेड टू मी भी गलत नहीं होगा, प्रेड मी डेट, डेट के बाद सिंपल रखना है, सिंपल का मतलब सब्जेक्ट खोजो, सब्जेक्ट बाबा कौन हो, तुम हो, है ना, तो यू, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार यू का आई, मे किस में जाएगा, माइट में, आई माइट। अब देखो टेंस वाला हर जगह अप्लाई हो रहा है ना, हर टेंस में, हर सेंटेंस में अप्लाई हो रहा है, माइट लिव लॉन्ग। बताइए समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं, चारों सेंटेंस का रिविजन हो गया। चलो अब आते हैं पांचवा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब आप पांचवा पहचानोगे तो पांचवा मिलेगा आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको पता है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसे सेंटेंस जो अपने आप निकल जाते हैं, दारू पीने के बाद नहीं, नॉर्मल मोड में जो अपने आप निकल, दारू पीने के बाद तो एक से एक निकलते हैं भाई, गजब का, है ना, राजा वाली फीलिंग आती है। क्लियर है? ऐसे सेंटेंस जो अपने आप निकलकर हमारे अंदर जो हिडन फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको एक्सप्रेस करते हैं, है ना। जैसे आप कोई हरियाली देखिए, अरे कितनी अच्छी हरियाली है यार, इतनी अच्छी हरियाली, यहाँ फोटो खींचो, बहुत गजब का आएगा बैकग्राउंड से। हाँ इंग्लिश में कैसे बोलोगे, वाओ इट्स वेरी नाइस, है ना, या ऐसे कुछ बोलोगे, है ना। अब जान दो यार मैं क्यों बोलूं, या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अगर इसको यहाँ पर सेड को किसमें चेंज करना है, यहाँ पर सेड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद, है ना। अब अगर दुख वाला एक्सप्रेशन है, ओ माय गॉड आज मैंने फिर काम नहीं पूरा किया, ओ शिट आई फॉरगेट माय वर्क टू कंप्लीट, है ना, ऐसे कुछ भी आप बोल रहे हो, है ना, ऐसे बोलते हो, ओ शिट यार सर जी आ रहे हैं काम फिर नहीं पूरा, अभी फिर गिरा गिरा कर मारेंगे, 4 दिन के सामने लड़कियों के सामने बेइज्जती करते हैं 4 दिन से, इनको शर्म नहीं आती है, एक तो ये इनको शर्म नहीं आती, दूसरा बेशरम हम हैं, पूरा ही करते हैं। ऐसे नहीं होता, लेकिन ऐसे मैं मजाक में थोड़ा सा कर रहा हूँ। अगर दुख वाला एक्सप्रेशन है तो क्या करोगे, सॉरो। अगर हैप्पी वाला एक्सप्रेशन है, जॉय। अगर आश्चर्य वाला है, सरप्राइज, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत। क्लियर? इसमें चेंज करना है, दूसरा आपको लगाना है डेट, क्या लगाना है, डेट लगाना है। क्लियर है? और डेट के बाद वाला प्रोसेस किसमें करना है बताइए, दिमाग लगाओ। डेट के बाद वाला प्रोसेस आपको सिंपल में सब्जेक्ट प्लस, हाँ वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट, यही अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? चलो एक अप्लाई करके देखते हैं, एक करके देखा जाए। चलो एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखा जाए, दे सेड टू देम, उन्होंने उन लोगों से कहा, क्या कहा भैया बताओ, कुछ भी कहा, एलास दुख है, है ना, योर फ्रेंड हैज डाइड, तुम्हारा दोस्त मर गया, दुनिया में नहीं रहा, है ना, हैज नो मोर, अब वो नहीं रहा, योर फ्रेंड हैज नो मोर, अब वो नहीं रहा। अब क्या हो जाएगा, सेट टू किस में जाएगा,
एक्सक्लेम्ड विद सारो विद सारो है ना। अब डेट, अब बताइए योर फ्रेंड सिंगुलर है, देम के अनुसार क्या हो जाएगा? डियर, डियर, फ्रेंड, हेड, नो मोर, इसमें हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न है दे एक्सक्लेम्ड विद स्वारो, ये देम कहाँ गया? डियर कहाँ लिखे फिर? सारो के बाद डेट लगाए, सारो के बाद। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना, ध्यान दो, देम नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डियर फ्रेंड से पता चल गया कि उन लोग, अरे भाई कुछ देर देम नहीं होता, तब आप क्या मानकर चलते? अगर ये बनाया गया है तो आप यही तो मानते, अच्छा डियर है तो यहाँ देम होगा, तभी तो देम के अनुसार डियर गया। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज नहीं लिखा जाएगा, ध्यान देना। एक दो गलत हो जाएगा, एक दो केस है जहाँ लिखा जाता है, उन सबके लिए रिविजन क्लास में नहीं कवर हो पाता है। अभी एक क्लास और चलेगी, लेकिन अभी नहीं, एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्लास चलेगी, वेरी स्पेशल क्लास है ना, वेरी स्पेशल संडे स्पेशल में ही होगा वो क्लास। उसमें ऐसे चुन चुन कर कुछ रूल हैं, जिद्दी होते हैं। अभी यस या नो टाइप वाला है सेंटेंस में, जब यस रहे तब वो किस में जाता है, नो रहे तब किस में जाता है ना। अभी दो चार हैं, दो चार का मतलब बढ़िया कुछ रूल हैं, जहाँ से तुम्हारा प्रॉब्लम कभी कभी वो भी पूछ लिए जाते हैं। अभी ये तो बेसिक पांचों समझ में आया, लिखना है तो लिख लो, सॉल्ट में है पूरा।